हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सब का हमारे चैनल एस नेस्ट पर स्वागत है। हम हैं देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल में, और नैनीताल लेक के पास हैं। आप देख लीजिए, ये नैनीताल लेक का जो है सो लेक व्यू है, और हम अभी यहां से आपको लेकर चल रहे हैं भवाली। यहां से 14 किलोमीटर पर भवाली है, वहां से 4 किलोमीटर और लगेगा तो वहाँ शिप्रा नदी के किनारे बहुत भव्य जो है सो और बहुत फेमस कैंची धाम टेम्पल है। तो हम कैंची धाम को लेके चल रहे हैं अभी, चलिए हमारे साथ। हम ये नैनीताल लेक के पास जो चौराहा है, यहाँ से अभी लेफ्ट टर्न लेंगे। तो यहाँ से टर्न कर रहे हैं लेफ्ट, हम यहाँ से लेफ्ट टर्न कर गए हैं और चल रहे हैं कैंची धाम, फेमस टेम्पल कैंची धाम। हम लोग नैनीताल से कैंची धाम के बहुत खूबसूरत रास्ते पर हैं, और देखिए रास्ते से किनारे से कितना ज़बरदस्त हिमालयन व्यू आ रहे हैं, बहुत आकर्षक लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। घाटी नुमा रास्तों से चलना, वाव वाली फीलिंग आपको भी आएगी। आप तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपकी कैसी फीलिंग आ रही है। तो हम आपको अभी पूरा व्यू दिखाते चल रहे हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे हिल और दाहिने तरफ खाई नुमा जो व्यू है, खाई वाली व्यू है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अभी रास्ते में 5 मिनट का जो है सो ब्रेक लिए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़बरदस्त सेल्फी पॉइंट है, और सविता जो है सो हमको रुकवा ली कि चलिए सेल्फी पॉइंट का व्यू दिखाने के लिए। तो चलिए सेल्फी पॉइंट का व्यू दिखाइए। बहुत ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है। देखिए यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है सेल्फी पॉइंट के टॉप से, हिमालयन रेंज का बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। यहाँ पर लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू है। नैनीताल से भवाली के रास्ते में है, बहुत खूबसूरत ये रास्ता है, और इन रास्तों का व्यू और भी ज़बरदस्त है। देखिए सविता बहुत आनंदित है कैंची धाम जाने के लिए, पूजा पाठ भी तो इसको बहुत मन लगता है। क्या जी, कैंची धाम जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हैं। लोग नैनीताल से कैंची धाम की ओर चल रहे हैं, चलिए आप लोग को भी साथ लेके चलते हैं, कैंची धाम दिखाएंगे। बहुत रास्ता का बहुत ऑसम व्यू भी है, बहुत सुंदर व्यू है। और आपको पता होगा कि कैंची धाम में एप्पल कंपनी के जो एसटीओस ऑनर हैं वो भी वहाँ आए थे, और एप्पल के आइडिया वहीं मिला था इनको। और एक बात और है, एक और खास बात ये है कि कैंची धाम में अभी हाल के पिछले दिनों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी आए हुए थे, तो ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ लोग अपनी हाँ अपनी कामना को लेकर के आते हैं, जो चाहते हैं वो यहाँ पर परिपूर्ण मिलता है। मेरा भी तो बहुत मन था आने का, लेकिन मतलब हम लोग समय के कारण नहीं आ पा रहे थे, तो आज लौटते समय हम लोग सोचे नहीं कैंची धाम होते हुए जाएंगे। तो आज ये सुअवसर है कि हम लोग कैंची धाम जा रहे हैं, चलिए आप लोग भी मेरे साथ। तो बहुत खूबसूरत रास्ते हैं कैंची धाम जाने का नैनीताल से, और अभी भी हम लोग कैंची धाम पहुंचने में 13 किलोमीटर का रास्ता और बच गया है। तो हाईवे है, एकदम टू वे रास्ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गाड़ी स्वयं ड्राइव करके भी आ सकते हैं, बट ड्राइविंग का एक लेवल ज़्यादा तो होना ही चाहिए अगर आप पहाड़ी एरिया में आते हैं
ड्राइविंग करते हैं तो एक लेवल ज़्यादा होना चाहिए। चलिए आगे आपको और भी रास्ते का इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो है सो रास्ते देखिए और ये हिल्स देखिए, उफ मन तो मोह रहा है। ये रास्ता मन कर रहा है कि बार बार इन रास्तों पर आएँ और यहीं का हो के रह जाएं। यही आपको भी फील आएगा। देखिए यहाँ भी सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं, जहाँ तहाँ सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं, लोग यहाँ आकर के फ़ोटो क्लिक कराते हैं और व्यूज का आनंद लेते हैं। देखिए आई लव नैनीताल के कई यहाँ पर डील बने हुए हैं, देखते चलिए। बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी भीड़ है। आज जो सनलाइट निकली हुई है ना, तो काफ़ी लोग यहाँ पर मस्ती। हाईवे है तो बड़ी बड़ी बस भी चल रही है और देखिए रास्ते पर गाड़ी लगा कर के लोग जो फोटो क्लिक कराते हैं तो काफ़ी कठिनाई भी होती है, तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। पहाड़ी रास्तों पर आते हैं तो रास्ते यहाँ आप अगर कार से नहीं आकर के ट्रेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं, बस से आते हैं, ज़रूर आइए। और यहाँ पर आपको बाइक राइडर हैं आप तो बाइक मिल जाएंगे, स्कूटी मिल जाएंगे। अगर आप बाइक ड्राइविंग नहीं करना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगे, तो सारी चीज़ों की सुविधा है। बस आपको प्लान करना है यहाँ घूमने आने का। तो आज 2 अप्रैल है, हमारी वीडियो आने में थोड़े से समय लगेंगे इसीलिए कि पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा वीडियो है। तो आप गर्मियों में, मैं ये बता रहा था कि अभी अप्रैल शुरू हुआ है तो अप्रैल में जून तक तो बहुत अच्छा मौसम है। देखिए आई लव इन छुट्टियों में आप प्लान करके आ सकते हैं, गर्मी छुट्टियों में पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और आइए यहाँ, बहुत मज़ा आएगा और लगेगा कि नेचुरल एसी में आप हैं। यहाँ पर नेचुरल एसी का आनंद अगर लेना है तो इन पहाड़ियों में आना होगा और इन पहाड़ियों का नज़ारा आपको इतना मन मोह लेगा कि आप यहीं का होकर रह जाइएगा, इन पहाड़ी वादियों में खो जाइएगा, ऐसा अनुभव होगा। देख लीजिए, तो हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं अपनी गाड़ी से आया हूं और कोई ड्राइवर भी नहीं लाया हूं, आगे से ड्राइवर भी लेके चलेंगे। बट इस बार हम सेल्फ ड्राइविंग को पसंद किए थे तो सेल्फ ड्राइविंग करके हम घूम रहे हैं। काफ़ी आनंद आ रहा है ड्राइविंग का इन पहाड़ियों पर, तो मुझे बहुत आनंद आता है। आपको कैसा लगता है? आप अगर इन पहाड़ियों में आए हैं, कौन कौन लोग नैनीताल आए हैं, गाड़ी से कौन कौन लोग आए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि हमारी कहाँ कमियाँ हैं, हम अपनी कमियों को ठीक करेंगे और आपके लिए और बेहतर ब्लॉग बनाएंगे। आप घर बैठे सारे इंडिया के सारे कोने कोने के टूरिस्ट प्लेसेस का मज़ा लीजिए। चलिए हमारे साथ, हम लगभग भुवाली के आसपास पहुँच गए। भवाली यहाँ से 2 किलोमीटर है, भवाली नहीं भवाली, तो यहाँ से 2 किलोमीटर भवाली है और भवाली से 6-7 किलोमीटर होगा कैंची धाम मंदिर, फेमस टेंपल। चलिए ले चलते हैं। हम लोग भवाली पहुँच गए हैं और भवाली का ये चौराहा है, मेन चौराहा है, और यहाँ पर आप गोल जो ट्रैफिक का बना हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड कैंची धाम, राइट साइड नैनीताल। तो हम लोग कैंची धाम चल रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट कैंची धाम है और 7 किलोमीटर है। ये भवाली का मार्केट है, यह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो मार्केट से निकल के आपको हम कैंची धाम लेके चलते हैं। कैंची धाम के
रास्तों को और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो हम भवाली मार्केट से निकल करके कैंची धाम के रास्ते पर हैं, 5 किलोमीटर बच गया है रास्ता, और ये बहुत खूबसूरत रास्ता है, फर्स्ट क्लास हाईवे है। आप ड्राइविंग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आनंदित करने वाले रास्ते हैं, नज़ारे औसम हैं, औसम नज़ारे हैं। पहाड़ी वादियों से जो रास्ते घुमावदार होते हैं, मुझे तो ड्राइविंग में बहुत मज़ा आता है। पूरा रास्ता आपको इन्फॉर्मेशन बताते चलते हैं कि आप जब भी आइएगा यहाँ तो आपको कहीं कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। वीडियो अगर आप देखे रहिएगा, पूरा वीडियो अगर देखे रहिएगा, तो कहीं कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से आप ड्राइव करते हुए जा सकते हैं। आप खुद भी अगर यहाँ ट्रेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं, तो बाइक रेंट पर ले करके आप आसानी से जा सकते हैं। दिल्ली से 300 किलोमीटर के आसपास है नैनीताल का सफ़र, तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस भी चलती है दिल्ली से, लखनऊ से ट्रेन भी चलती है जो काठगोदाम तक आती है। तो बहुत अच्छा रास्ता है, जो सुगम रास्ता है, सुखद रास्ता है, और यहाँ का सुखद एहसास, तो आप तो हमें तो घूमने निकलना ही चाहिए। तो आप जब पहाड़ी वादियों से जब घूम के जाइएगा फिर अपनी जगह पर काम करने के लिए, तो ठीक उसी तरह की ताजगी महसूस होगी जब गाड़ी को गैरेज से सर्विसिंग करा के जब हाईवे पर लाते हैं, तो कैसे दन दन आती हुई चलती है पूरा एनर्जी के साथ। ठीक उसी तरह का एहसास होगा जब आप इन छुट्टियों में इन पहाड़ी वादियों से घूम के आप अपने कर्तव्य पर पहुंचिएगा, तो आपको काम में एक अलग से एनर्जी मिलेगी, नई एनर्जी के साथ आप काम कीजिएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है घूमना फिरना, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, इंटरटेनिंग भी होता है, तो ऑल ओवर बहुत ज़रूरी भी है। तो समय निकालना चाहिए और घूमना चाहिए और नए नए जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त हिल सब है, हिल, ये हिल के किनारे से जो रास्ता है और बाईं तरफ खाई है, और उसमें जो लंबे लंबे प्लांट हैं, पौधे हैं, ये और खूबसूरत बना रहा है इन रास्तों को। विलेज है और इसका नाम है निगलाट। यहाँ भी जहाँ तक आसपास में जो है जो चाय नाश्ता इस सब का इंतजाम है, तो यहाँ का विलेज भी बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ का विलेज देखने में। मुझे तो पहाड़ी एरिया का विलेज बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ी पर छोटा छोटा घर और इवनिंग टाइम में जो उसमें जगमगाती रोशनी, तो और अच्छे लगते हैं। पहाड़ी वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, हाँ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत व्यवहारिक भी होते हैं। देखिए ये सब विलेज है, ये सब जो दिख रहा है आपको विलेज एरिया दिख रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है, और इतना नीट एंड क्लीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और यहाँ एसी चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा विंडो खोलिए और ठंडी ठंडी हवा आने दीजिए, एकदम लगे नेचुरल एसी का आनंद ले रहे हैं, है ना जी।
खूबसूरत लग रहा है यहाँ का सीन, और हर जगह रास्ते में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, चाय कॉफ़ी जिस चीज़ को खोजिए वो चीज़ मिल जाएगा। ये छोटे छोटे ब्रिज हैं, दोनों तरफ कितनी हरियाली है और कितना क्लियर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये रोड जो है प्लांट के साथ, हिल के साथ, खाई के साथ, इतना खूबसूरत टू वे रोड है, फर्स्ट क्लास रोड है। निहारते निहारते आँख नहीं थक रही है। देखते हैं कितना अच्छा अच्छा आपको कैफे साइड मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग बैठ करके आनंद लेते हैं और पिक भी क्लिक कराते हैं। कितना खूबसूरत है, एकदम झुरमुट के तरह, एकदम जैसे कि टनल होके रास्ता होता है उस तरह का जो है सो व्यू सब आपको देखने को मिलेंगे। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम गोल गोल घाटी का रास्ता, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश होंगे इस वीडियो को देख के, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, वो कमेंट बॉक्स में पता चलेगा। बिल्कुल, काफी जाम लग गया था तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। देखिए उधर कितना जबरदस्त व्यू है, और ये हिल पर जो लंबे लंबे पेड़ हैं, ओह कमाल के लग रहे हैं, बहुत आकर्षक लग रहे हैं। मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर बची है, 1.5 से 2 किलोमीटर, लेकिन 2.5 किलोमीटर से ही पूरा लंबा जाम लगा हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर पर गाड़ी आगे बढ़ रही है तो काफ़ी लंबा जाम है। आगे कई पुलिस की गाड़ी भी गई है और वो जाम छुड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ के नज़ारे तत्काल देखिए बहुत अच्छे हैं। देखिए सविता जो नज़ारों को भी घूम के आई है बाहर से, तो जरा सा विंडो से बाहर कैमरा को निकालिए और हमारे दिखलाते हैं, ऑडियंस को दिखाइए जरा नज़ारे। तो फ्रेंड्स, हम नीम करौली बाबा कैंची धाम का मंदिर टेंपल हम लगभग पहुंच गए हैं। अभी तो काफ़ी जाम लगा हुआ है, लेकिन मंदिर का दर्शन यहीं से हम कराते हैं, दर्शन कराइए। यही मंदिर है, वाइट वाला और ऑरेंज वाला दर्शन हो रहा है। हमने आपको नैनीताल से लेकर के नीम करौली बाबा कैंची धाम का दर्शन कराया, और आप हमें तो बहुत अच्छा लगा ये रास्ते। यहाँ पर कई बहुत बड़े बड़े हस्ती आए हुए हैं, विदेश से भी लोग आए हुए हैं। एप्पल कंपनी के जो निर्माता हैं, ऑनर हैं, मालिक हैं, स्टीव वॉज, वो भी आए थे यहाँ पर, और उनको यहीं से एप्पल का कंसेप्ट मिला था, तो ये बहुत फेमस है। और हाल में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ आए थे, तो बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर आप आइए, मुझे यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हमने मंदिर का दर्शन भी किया, आपको भी कराया, कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। कैसा लगा जी मंदिर में आके?